हेलो एंड वेलकम अगेन। आज इस वीडियो के अंदर मैं उन बच्चों के लिए कुछ बातें बताऊंगा जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं या कंपार्टमेंट एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पे मैं बता दूं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम और कंपार्टमेंट एग्जाम लगभग ICSE में कब तक हो सकते हैं, अभी कंफर्म डेट नहीं आई है, लेकिन फिर भी एक आइडिया मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। दूसरा, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के जो एग्जाम होंगे उनके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो अभी जो पिछले क्वेश्चन पेपर आपके आए थे एनुअल एग्जाम में 2023 में, उससे इजी होंगे या डिफिकल्ट होंगे, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके पास होगा। तो अकॉर्डिंग टू माय प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आई एम गोइंग टू टेल हियर कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी देयर। तो आज यहां पे मैं इन्हीं 2-3 क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए हूं, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनका सोल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा रिजल्ट इनका कब तक आने की उम्मीद है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले रहे हैं कि कब तक एग्जाम होने की उम्मीद है। तो लगभग 15 से 30 तारीख के बीच के अंदर ये एग्जाम होंगे, 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में किसी, आमतौर पर उम्मीद यह है 20 के आसपास कोई डेट आएगी, 20-22 हो सकती है, 18 हो सकती है ये, लेकिन 30th से पहले हो जाएंगे। दूसरी बात, ये उस तरह की आपकी डेट शीट नहीं आएगी जो फाइनल में आती है सारे, इस दिन इंग्लिश, इस दिन हिस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं। 2 या 3 दिन के अंदर ही सारे पेपर एक साथ करवा दिए जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत कम होते हैं और एक दिन में हो सकता है 2-3 पेपर करवा दिए जाएं, एक साथ मिक्स करके बच्चे बैठा दिए जाएं और 2-3 पेपर एक साथ में हो जाएं, तो 2 या 3 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे होंगे पेपर एक साथ आ जाते हैं सब में, जिसको मैथ का देना मैथ दीजिए, इंग्लिश देना इंग्लिश दीजिए, तो जिसको जो पेपर देना है वो पेपर एक साथ ही होगा, कंपार्टमेंट का भी और इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाले बच्चे सारे एक साथ बैठ के ही एग्जाम देंगे। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर भी सेम आएगा दोनों ही बच्चों के लिए, कंपार्टमेंट वालों के लिए भी और इम्प्रूवमेंट वालों का सेम क्वेश्चन पेपर होगा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से इजी होगा या डिफिकल्ट होगा, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे आज मैं आपको बता दूं कि जब फाइनल पेपर का जो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो एक पेपर नहीं होता, बल्कि 3 से 4 क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं। अगेन आई एम रिपीट कर दे रहा हूँ, जब फाइनल पेपर जब हर साल बनता है वो एक क्वेश्चन पेपर नहीं होता, बहुत बड़ी सीक्रेट आपको बता रहा हूँ और ये आपको कोई बताएगा नहीं, आपको बता रहा हूँ कि 3 या 4 या 5 पेपर क्वेश्चन पेपर बनते हैं और अलग अलग एग्जामिनर्स उसको बना के भेजते हैं। उन क्वेश्चन पेपर में से कोई एक क्वेश्चन पेपर फाइनल एग्जाम में अडॉप्ट किया जाता है जो उसके अंदर ले लिया जाता है, लेकिन बाकी 3 या 4 क्वेश्चन पेपर अभी भी बोर्ड के पास होते हैं, उसी कैटेगरी के होते हैं, उसी डिफिकल्टी लेवल के होते हैं, सारी चीजें एक जैसे ही, फाइनल जैसा ही होता है। उन क्वेश्चन पेपर में से 1 या 2 क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनमें से छांट लिया जाता है और उनको भी तैयार रखा जाता है अगर दोबारा जरूरत पड़ती है। कई बार कोई क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है किसी वजह से, एक बहुत साल पहले ज्योग्राफी का 10-12 साल पहले आउट हो गया था, वो गलती से एग्जामिनर से हो गया, जब निकाल रहे थे तो हिस्ट्री सिविक्स पेपर 1 और 2 होते हैं, तो 1 का पेपर था और 2 वाला उसने ध्यान नहीं दिया और ज्योग्राफी का खोल लिया हिस्ट्री की जगह, और उसमें आउट हो गया वो पेपर, जबकि उस दिन तो हिस्ट्री का पेपर था, ज्योग्राफी का 2 दिन बाद था, तो इस तरह से वो आउट हुआ। तब ऐसी सिचुएशन कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो सकती है, ऐसा होता है तो उन्हीं क्वेश्चन पेपर में से एक क्वेश्चन पेपर निकाल करके और अगला दूसरा पूरा एग्जाम करवा लिया जाता है। तो ये तो नहीं हो सकता कि पहले क्वेश्चन पेपर बनाए फिर उसके बाद में उसको करेक्ट करें फिर छापे, तो ये 2-3 दिन जल्दी प्रोसेस निमट जाता है क्योंकि पेपर आपका पहले से तैयार होता है। तो उन्हीं क्वेश्चन पेपर में से एक क्वेश्चन पेपर आपका इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए लिया जाता है और वो पेपर सेम कैटेगरी का होता है जो फाइनल एग्जाम के अंदर आपको आया था, लगभग उसी डिफिकल्टी लेवल का पेपर होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी डरिए नहीं कि इम्प्रूवमेंट देने जा रहे हैं तो आपका क्या बहुत मुश्किल, इसलिए दुश्मनी निकाल लेगा बोर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक पैटर्न होता है उसी हिसाब से होता है, कुछ भी नया नहीं किया जाता। तो यह हो मेरे को उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में मैं आगे बात बताता हूँ कि रिजल्ट कब तक उम्मीद है। तो रिजल्ट मैं आपको बता दूं, अगस्त के अंदर हर हालत में इनका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि देर नहीं होगी। कारण ये है कि मैंने जैसा अभी बताया पेपर बहुत कम बच्चे, कुछ मतलब 1000 बच्चे ही होंगे, तो उनके अंदर करेक्शन करना
बहुत ज्यादा टाइम की बात नहीं होती, दो तीन दिन के अंदर करेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में रिजल्ट सीधा पोर्टल पे गया, आपका रिजल्ट निकाल दिया गया। तो ड्यूरिंग अगस्त आपका रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई के अंदर किसी टाइम पेपर होंगे, अगस्त के अंदर विदिन वन मंथ दैट रिजल्ट विल बी डिक्लेयर। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, आगे इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।